मारुति सुजुकी इंडिया ने ऑटो एक्सपो में अपनी मशहूर टॉल बॉय कही जाने वाली हैचबैक कार वैगनआर के नए फ्लैक्स फ्यूल वर्जन के प्रोटोटाइप को पेश किया है। नए लुक और फ्लैक्स फ्यूल स्टिकर से सजी कार सभी को काफी आकर्षित करती रही। इससे पहले इस कार को दिसंबर 2022 में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया था। मॉडल को सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जापान के सपोर्ट के साथ मारुति के स्थानीय इंजीनियरों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये कार 20% और 85% ईंधन के बीच एथेनॉल पेट्रोल मिश्रण पर चल सकती है। कंपनी ने कोल्ड स्टार्ट असिस्ट के लिए हीटेड फ्यूल रेल और एथेनॉल प्रतिशत का पता लगाने के लिए एथेनॉल सेंसर जैसी नए फ्यूल सिस्टम तकनीक को डिजाइन किया है, जो इंजन को हाई एथेनॉल मिश्रणों के साथ अधिक कंपैटिबल बनाने में मदद करता है। इस कार में मैकेनिकल कंपोनेंट्स के अलावा अन्य कंपोनेंट्स जैसे कि इंजन मैनेजमेंट सिस्टम, अपग्रेड फ्यूल इंजेक्टर्स इत्यादि को भी नए तरह से विकसित किया गया है। मारुति वैगनआर के नए फ्लैक्स फ्यूल प्रोटोटाइप में कंपनी ने 1.2 लीटर की क्षमता का नेचुरल एस्पायर्ड इंजन का इस्तेमाल किया है, जो कि E20 और E85 रेंज के फ्लैक्स फ्यूल पर चल सकती है। कंपनी ने रेगुलर मॉडल के मुकाबले इस कार के इंजन में कई बदलाव किए हैं, जिससे ये एथेनॉल पेट्रोल मिशन पर बेहतर परफॉर्म करते हुए चल रहे। ये इंजन इस तरह से तैयार किया गया है जो कि BS6 के नए उत्सर्जन नियमों का भी पालन करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। ऑटो एक्सपो के दौरान पेश की वैगनआर फ्लैक्स फ्यूल मॉडल का इंटीरियर रेगुलर कार जैसा ही है। दरअसल फ्लैक्स फ्यूल मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इंजन कंपोनेंट में किया गया है। हालांकि एक प्रोटोटाइप है तो जाहिर है कि फाइनल प्रोडक्ट तक आते आते कई बदलाव संभव हैं। देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी लगातार वाहन निर्माताओं को फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने में लगे हैं। उन्होंने कई मौकों पर खुले मन से फ्लैक्स फ्यूल इंजन के इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। इस तकनीक के माध्यम से पेट्रोल कारें 20% से 85% एथेनॉल मिश्रित ईंधन के बीच कहीं भी चल सकेगी। मारुति सुजुकी का कहना है कि हमारे पास पूरी तकनीकी तैयार है, यदि बुनियादी ढांचा तैयार होता है तो हम जल्द से जल्द फ्लैक्स फ्यूल लॉन्च कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीडी टीवी भारत।